सिबनी मालपात तहसील की टप्पा तहसील शिवपुर में गांव के बीच से शराब दुकान हटाने का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। युवक कांग्रेस ने इसको लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अनिल जैन को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शिवपुर गांव के बीच से शराब दुकान हटाने को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर एक लिखित में आबकारी अधिकारी के द्वारा शराब दुकान को स्थानांतरित करने को लेकर दिया गया था और इसी शर्त पर कांग्रेस द्वारा आंदोलन स्थगित किया गया था, परंतु आश्वासन के बाद भी आज दिनांक तक शराब दुकान हटाई नहीं गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि शराब दुकान ठेकेदार शासन के आदेश का किस तरह मखौल उड़ा रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग के ठेकेदारों का दलाल बनकर उनका सहयोग करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से मांग की है कि मामले की जांच कर एक सप्ताह में शिवपुर से शराब दुकान हटाने की कृपा करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी शिवपुर द्वारा शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम में जहाँ शराब दुकान है उसके पास ही स्कूल है, जहाँ से प्रतिदिन स्कूली छात्र छात्राएं प्रतिदिन दुकान के सामने से ही गुजरते हैं। वही लोग शराब पीकर लड़कियों का फंतिया कसते हैं, जिसके चलते कई बार ग्रामीणों और शराब दुकानदारों के बीच बहस भी होती रही है, जिसके चलते सभी चाहते हैं कि दुकान को ग्राम के बाहर किया जाए, जिससे गांव का माहौल अच्छा बना रहे। शिवपुर में शराब दुकान हटाने को लेकर विगत कई दिनों से हम आंदोलन निवेदन संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भाजपा और शराब ठेकेदारों के दबाव के चलते शराब दुकान आज तक नहीं हटाई गई थी और मेरे ऊपर दबाव के चलते कार्रवाई कर मुझे 6 महीने के लिए बाउंड ओवर कर दिया गया था, जिसके कारण हम आंदोलन नहीं कर पाए और अभी तक शराब दुकान शासन ने आदेश के बाद भी नहीं हटाई, जिसके विरोध में आज 2 वर्ष पूर्व हम वापस ज्ञापन लेकर आज एसडीएम कार्यालय आए थे। तहसीलदार अपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में हमने मांग की है कि शराब दुकान वहां से हटाई जाए, अन्यथा 7 दिनों के बाद हम कलारी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कार्रवाई कर उसे हटाने की कोशिश करेंगे। विगत 2 सालों से शिवपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो रहवासी एरिया में शराब की अंग्रेजी शराब की दुकान चल रही थी उसको हटाने की मांग की जा रही थी। विगत 2 साल पहले हमारे साथी दुर्गेश बैरागी द्वारा आंदोलन भी किया था, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, उनके बांड ओवर की कार्रवाई भी की थी। 2 साल बाद पुनः संज्ञान में आया कि शासन ने आदेश दिए हैं शराब दुकान हटाने के लिए, तो हमने 2 साल बाद फिर एसडीएम साहब को अवगत कराया कि सर जल्दी जल्दी इस दुकान को हटाया जाए, अन्यथा युवा कांग्रेस फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार है। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की गई? हर में विगत 2 वर्षों से उस कलाली को हटाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमने कई बार एसडीएम महोदय जी को, आबकारी विभाग फौजदार जी को, कलेक्टर महोदय जी को, थाना प्रभारी को, ग्राम पंचायत में हर जगह आवेदन दे चुके हैं। हमें हर बार आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन कलाली नहीं हटाई जा रही है। इससे वहाँ पे 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी छात्राएं उसी रूट से निकलती है। आए दिन लोग वहाँ व्यंग करते हैं, मेरा घर बिल्कुल जस्ट कलाली के सामने है, मैं आए दिन वहाँ बच्चियों को काफ़ी बार बचा चुका हूँ, इसके मेरे 2-4-10 प्रकरण थाने में भी दर्ज है। मैं लोगों को बच्चियों को वहाँ बचाता हूँ तो लोग मेरे ऊपर केस करा देते हैं, बंद करा देते हैं। इस प्रकार की घटनाएँ भी मेरे के साथ काफ़ी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से कलाली का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए और शिवपुर में कहीं पर भी उसको स्थापित करें, कृपया कर गाँव के बाहर करें।